चार रत्न है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सद्विचार। जिसके पास ये चार रत्न है वो व्यक्ति श्रेष्ठ महापुरुष माना जाता है। ज्ञान हो, योग्य अयोग्य का विचार हो, वैराग्य हो। वैराग्य कब आता है? या तो संसार की नश्वरता का चिंतन करने से या परमात्मा की सत्यता का चिंतन करने से। परमात्मा से प्रियता हो जाए तो संसार से वैराग्य है, या फिर संसार नश्वर है और धोखेबाज है, उन धोखों पर विचार करो जो आज तक आपको मिले, तो वैराग्य आएगा। वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर के रास्तों पर चलने वाले व्यक्ति के लिए संसार के प्रति वैराग्य कोहिनूर के समान। जैसे कोहिनूर धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं चमक जाता है, जैसे सर्पों के, करोड़ों सर्पों के किसी एक सर्प पर मणि शोभायमान होती है, ऐसे ही इन करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति के पास वैराग्य है तो उस मणि के समान शोभायमान है। सर्पमणि जिसको प्राप्त हो जाए उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। कहीं पर भी चला जाए, जिस व्यक्ति के पास मणि है वो व्यक्ति अंधेरे में भी प्रकाशित है। ऐसे ही जिसके पास वैराग्य है, वैराग्य होना अति आवश्यक है। वैराग्य कब आता है? या तो हम संसार की नश्वरता पर विचार करें या भगवान की शाश्वतता पर विचार करें। वैराग्य होना, हम अभी अपने साधन में, ईश्वर के प्रति रुचि में, या हम आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा सा चलते फिर रुकते, थोड़ा सा चलते रुकते, क्यों? क्योंकि हमारा वैराग्य दृढ़ नहीं है। वैराग्य होना अति आवश्यक है। उस वैराग्य को कैसे जागृत करना वो आप विचार करो। या परमात्मा की सुहृदता, करुणा, कृपा, उसकी सत्यता, उसी की एकमात्र आश्रय और आधार, या उस पर विचार हो, या संसार के धोखेबाजी, नश्वरता और दुखों पर विचार हो। वैराग्य उस मणि के समान है जो अंधेरे में प्रकाशित होता है। वैराग्य उस कोहिनूर के समान है कि जिसके पास भी हो सभी लोग उसे प्राप्त करने का यत्न करते हैं, सभी के आकर्षण का केंद्र बनता है। तो जिस व्यक्ति को भक्ति चाहिए उसे वैराग्य होना चाहिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए उसे वैराग्य होना चाहिए, जिस व्यक्ति को अपने कल्याण की चाहना हो उसे संसार से वैराग्य होना चाहिए, जिस व्यक्ति को भगवान को पाना हो उसे वैराग्य होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जन्म मरण से छूटना हो उसे वैराग्य होना चाहिए, जिस व्यक्ति को बार बार दुखों में नहीं भटकना उसे वैराग्य होना चाहिए, जिस व्यक्ति को परम सुख का रसास्वादन करना हो उसे वैराग्य होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैराग्य को धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है वो श्रेष्ठ मनुष्यों में उत्तम मनुष्य माना जाता है। वैराग्य कैसे हो इसका विचार आप करो। या तो परमात्मा की शाश्वतता पर विचार हो, या संसार की नश्वरता पर विचार हो। आपने एक बार भी रास्ते में चलते किसी मल को देख लिया, आपको वैराग्य होता है? होता है ना? आपने देखा, आपको वैराग्य होता है। हम संसार में ऐसे कितने मल को देखते हैं, हर रोज देखते हैं। उत्पात को देखते हैं, राग द्वेष को देखते हैं, ईर्ष्या को देखते हैं, किसी के धोखे को देखते हैं, किसी की इतने दुखों को देखते हैं जो हम खुद उठाते हैं। एक बार मल को देखने से वैराग्य होता है। संसार के तो इतने मलों को हम देखते हैं, हमें वैराग्य नहीं होता, क्योंकि राग ज़्यादा है उसमें, राग ज़्यादा है इसीलिए वैराग्य का प्रभाव कम है। बाकी वैराग्य लाने के लिए संसार की एक ही दुर्गुण काफी है। ईश्वर के प्रति रुचि होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति रुचि हो तो संसार के प्रति वैराग्य अपने आप आ जाएगा। हम क्यों इतने भोगों से, क्यों इतने विषय विकारों से, क्यों इतने व्यक्तियों से सुख लेने की आशा करते? क्योंकि उसमें राग है, हमें लगता है कि वो सुख देगा, और आखिर सभी को धोखा मिलता ही, हम सब जानते हैं।
रात को सोए क्या सुबह पता है आप उठोगे कि नहीं उठोगे? नश्वरता का विचार करो, वैराग्य आएगा। ये सोचो कि मैं अभी मरने वाला हूँ, वैराग्य आएगा। मरने वाले व्यक्ति को दान पुण्य करने का विचार आता है। जो मरने वाला व्यक्ति है वो अधिक से अधिक भजन करने का विचार करता है। पर हमें पता है हम बहुत लंबा जीने वाले हैं, शायद युगों तक, इसीलिए हमें वैराग्य नहीं आता। सोचो अगर आप एक घंटे बाद मर जाओ तो कितना फटाफट काम करना है। अगर आपकी उम्र एक घंटे तक है, आपको पता चल जाए, तो क्या करोगे आप? क्या किसी में रुचि आएगी आपको? किसी विषय विकारों को भोगने में रुचि आएगी? खाने में रुचि आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी उम्र इतनी है, तो हमें वैराग्य आता है सबसे। आता है कि नहीं आता? पर हमारा, हम विचार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमारी उम्र बहुत सारी है, हमें ये भी भोगना है, हमें ये भी पाना है, हमें ये भी पाना है, ये भी पाना है, बहुत कुछ करना है। हम उलझे पड़े। इतने छोटे से जीवन में राग द्वेष निंदा स्तुति करने का वक्त कहाँ है किसी व्यक्ति के पास? अपने आप का कल्याण कर ले, वही बहुत है। तो प्रतिपल समझो कि हम आज हैं, आज तो आज का सूरज ईश्वर ने दिखा दिया है, तो उसका धन्यवाद है। ना उठते तो, ऐसे कई लोग हैं जो रात को सो के सुबह नहीं उठते। होता है, नहीं होता है? दोपहर को सोए नहीं उठते, रात को सोए सुबह नहीं उठते। तो शरीर में है क्या? 9 द्वार है। एक बांसुरी में से हवा आए और जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। पास हो और वापस आए, एयर सर्कुलेशन होता है, ये पता है। स्पेस जहाँ पर है वहाँ पर हवा का आना जाना बहुत स्वाभाविक है। पर कोई किसी बांबी में, किसी बंसी में हवा रुक जाए जाके, तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। जहाँ से वो पसार हो सकती है वहाँ भी हवा रुक जाए तो आश्चर्य है कि नहीं है? आपके 9 छिद्र हैं, इसमें से सांस आए और जाए, सांस जाए वो आश्चर्य नहीं, पर रुकी हुई है आश्चर्य है। टिकी हुई है ना, आ रही है और जा रही है। अगर ये निकल गई और वापस नहीं आई तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, पर आ रही है वापस। ये 9 छिद्र है ना, इसमें से चली जाए बड़ी बात नहीं है, पर रुकी पड़ी है आश्चर्य। इस शरीर के 9 छिद्र हैं, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, नाभि के नीचे से भी जा सकती है। आना जाना हम ले रहे, छोड़ रहे, जो छोड़ी वापस नहीं आई तो हो सकता है, पर आ रही है तो उसकी कृपा है, उसका कंट्रोल है। अभी भी हमारे सांसों पर उसका कंट्रोल है, इसलिए आ रही है। ईश्वर ने अच्छा एक दिन दिखाया, जिंदा है, नहीं होते तो हम नहीं होते। आज अगर हम नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए था? तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य जब तक आभूषण की तरह धारण नहीं करता है, उसे थपेड़े खाने खाने और खाने। वैराग्य को कोहिनूर की तरह शोभायमान बनाओ। भक्ति चाहिए तो वैराग्य होना चाहिए, कल्याण चाहते हो तो वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो वैराग्य होना चाहिए, जन्म मरण से छूटना चाहते हो तो वैराग्य होना चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हो तभी भी, कहीं से वैराग्य होगा तो ईश्वर में मन लगेगा, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य को जागृत करना आपके विवेक का काम है। हम में कितने % वैराग्य है
जांचना परखना चाहिए, नहीं है तो उसे जागृत करना चाहिए, लाना चाहिए। बाह्य मल को एक बार देखने से वैराग्य आता है। हमारे भीतर कितने मल भरे पड़े हैं, उससे वैराग्य क्यों नहीं आता? एक बार देखते ना नाक मुंह सिकुड़ जाता है, उस रास्ते से फिर जाने की कोशिश नहीं करते हो? संसार में कितने मल हैं, सबसे बड़ा वैराग्य तो हम मर रहे हैं और कब खत्म हो जाए वही पता नहीं, वैराग्य तो है। ऐसे जीवन से क्या आशा और क्या अपेक्षा और क्या तृष्णा, ऐसे जीवन में क्या निंदा, क्या स्तुति और क्या अपेक्षा। ऐसा विचार करो तो ही मन शांत हो जाता। हम कहाँ विचार करते हैं, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, दुनिया भाग रही, साधक भी भाग रहा है, सभी तो भाग रहे, कौन ठहर के विचार करता है? ठहरो, रुको, सोचो, विचार करो, वैराग्य करो।